प्रणाम, हाय, कुछ हाबंदी, मैं तो अदर आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरव चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है जवानी जानीमन। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर के डायरेक्टर नितिन खाकर ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया है। इस पिक्चर में एक हीरो के बदले एक लीड रोल कह सकते हैं, जो सैफ अली खान एक पिक्चर में एक प्लेबॉय की तरह नजर आते हैं और फिर एक बाप का रोल करते हैं। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। जैसे पिक्चर इस तरह है, ये पिक्चर में सैफ अली खान जो है जिसमें लीड रोल कर रहे हैं, एक बाप का रोल भी कर रहे हैं और एक 40 साल के गन मैरिड की तरह रहते हैं और पूरी रात पूरी जिंदगी एकदम प्लेबॉय की तरह मौज मस्ती में बिताना चाहते हैं। तो इस तरह जैसे बिताते रहते हैं, उस तरह उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम है आलिया फर्नीचर वाला, जो इस पिक्चर में डेब्यू कर रही है और इसमें उनकी बेटी की रोल कर रही है। अचानक उन्हें कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, 21 साल की हूँ। उसके बाद उन्हें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ये कन्फ्यूजन उनको काफी इनको प्रॉब्लम में डालता है। फिर ये साबित करने में लगती है कि नहीं, ये वाकई उनकी बेटी है। इस समय खुद को साबित करती है कि वो उनकी बेटी है और इस तरह चलता है। बाकी काफी अच्छा है। और इसमें तब्बू जो है काफी दिनों के बाद पिक्चर में दिखाई दे रही है एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह। इसमें एक माँ की रोल करती है ये बताने के लिए कि उनके बाप जो है सैफ अली खान है। फिर इस तरह पता चलता है कि उनकी बेटी जो आलिया फर्नीचर वाला जैसे वो भी कैरिंग है, क्यों एक गर्भवती है। और इस तरह पता चलता है सैफ अली खान से पूरी मेहनत करते हैं कि अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। और इस तरह चलता है और आखिर में सैफ अली खान अपने घर में बताते हैं कि उन्हें पता चलता है कि आखिर में हुआ क्या है। इस तरह पिक्चर काफी अच्छा है। पिक्चर के डायरेक्टर ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया है और सपोर्टिंग एक्टर जैसे कुमुद मिश्रा, उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया, काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टर के तौर में काफी अच्छा एक्टिंग की है। और चुंकी पांडे जो एकदम कॉमेडी की तरह एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वो भी सपोर्टिंग एक्टर की तरह इस पिक्चर में काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टिंग के रोल की है। और काफी अच्छा है पिक्चर, बाकी देखने लायक है और परिवार के साथ देखने लायक है। मॉडर्न जमाने के अनुसार आजकल के दुनिया में जैसे होता है वैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाकी ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा, पिक्चर देखने लायक है। गाने भी काफी अच्छे हैं, काफी सारे इंटरेस्टिंग भी है, थोड़े कुछ जानने और कुछ सीखने को मिलता है। देखते हैं जब अभी बॉक्स ऑफिस में एक अच्छा नाम कमा पाएगी और पैसे जमा पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ रूबरू आपको खराब खबर होता रहेगा। टिल देन, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।